नमस्कार दोस्तों, PCS एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग डिफेंस ऑप्शनल का एक लेक्चर देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो आपका रक्षा अध्ययन में सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो नया चैप्टर, तो उसको आज हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और दोस्तों, GES का और डिफेंस ऑप्शनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, ठीक है। और दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और रक्षा क्षेत्र में और जो रक्षा अध्ययन है उसमें किस तरीके से इसकी भूमिका होती है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात यही है दोस्तों कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है वो किन किन चीज़ों से संबंधित है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि एक जो व्यक्ति होता है, मानव विकास, तो मानव के विकास में यह बहुत ही अहम भूमिका अदा करती है। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है मानव के हर तरीके से विकास में, ठीक है, डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। अब सोच कर देखिए, रक्षा अध्ययन का अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो क्यों करते हैं? उसका रीज़न यही होता है कि जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा है, जो हमारे राष्ट्र की रक्षा प्रतिरक्षा, उनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका किस तरीके से होती है, राष्ट्रीय विकास जो होता है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी किससे होती है? ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जुड़ी होती हैं लोगों से, मानव से, मानव के लिए ही सारी चीज़ें की जाती हैं। जो राष्ट्र के लोग हैं उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, उन्हीं के लिए रक्षा प्रतिरक्षा और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए सभी प्रकार से यह सुविधाएँ दी जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, रक्षा अध्ययन के संदर्भ में जब हम लोग बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, तो सबसे पहला एक डायमेंशन जो आता है वो है अत्याधुनिक सैन्य सामग्री। तो यह किसी भी राष्ट्र और रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि देश में जो मिसाइल हैं, टैंक हैं, राडार है और परमाणु बम हैं, इनकी निर्माण, इनका निर्माण बहुत अधिक मात्रा में किया जाए। जितनी यह क्षमता अधिक होगी उतनी ही राष्ट्र की सैन्य क्षमता जो होगी वो अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। और एक राष्ट्र की डिटरेंस क्षमता होती है, तो वो भी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो भी अहम भूमिका निभाती है। तो ये जो प्रतिरोधक क्षमता है वो किससे आती है? अत्याधुनिक सैन्य सामग्री से। और अत्याधुनिक सैन्य सामग्री आप किससे प्राप्त करते हैं? वो आप प्राप्त करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, ठीक है। देखिए, जो एक डिफेंस सेक्टर है, ठीक है, जो एक रक्षा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र में सैन्य सामग्री का बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, ठीक है। अब जब के आपके पास में सोच कर देखिए कि अगर आज की डेट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ना होती तो आप जो नई नई मिसाइलें जो बनाते हैं, नए नए टैंक्स जो बनाते हैं, राडार सिस्टम बनाते हैं, परमाणु बम जो बनाते हैं, अलग अलग टाइप के जो बम बनाते हैं, तो वो किसकी वजह से सफल हुआ है? वो सफल हुआ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से, ठीक है। तो किसी भी राष्ट्र की क्षमता को देखने के लिए, क्षमता विकास के लिए, रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए अत्याधुनिक सैन्य सामग्री बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है। अब इसके साथ में कुछ और चीज़ें हैं कि जैसे परिवहन एवं क्षेत्र, संचार क्षेत्र में, अब सोच देखिए कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है वो परिवहन क्षेत्र और संचार क्षेत्र में किस तरीके से योगदान देती है। अब जैसे आप नए नए प्रक्षेपण यान बनाते हैं, वायु परिवहन जो होता है, रेल परिवहन जो होता है, और जो सड़क सुरक्षा प्रणालियां जो होती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई होती हैं? ये नई नई टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही हैं वर्तमान में,
और जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उसी की वजह से, उसी की देन है जो हम परिवहन क्षेत्र और संचार क्षेत्र में अच्छी अच्छी चीज़ों को डेवलप करते हैं, वायु परिवहन की सेवाओं को देते हैं, रेल परिवहन की एक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को तभी दे पाते हैं जब हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो रिसर्च प्रोग्राम है वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। अगर रिसर्च प्रोग्राम जो अनुसंधान है वो अच्छी चीज़ों को विकास करेगा तो हमारे यहाँ क्या है, परिवहन संचार क्षेत्र में सारी चीज़ें बेहतर होंगी, जो सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता और अच्छी होगी, नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। रक्षा, अगर किसी भी राष्ट्र को रक्षा आत्मनिर्भरता स्थापित करनी है, सुरक्षा तैयारियों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब जैसे मान लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, अंतरिक्ष नाभिकी रक्षा अनुसंधान जो है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और ये आप तभी इसी के बेसिस पर आप रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में अपनी मिसाइलों को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और स्पेस जो है उसमें रिसर्च कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से सफल हुआ है, ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से सफल हुआ है। आज की डेट में अगर भारत का इसरो जो है, ठीक है, इसरो अगर दूसरे राष्ट्रों के जो उपग्रह हैं उनको भी अपने प्रक्षेपण यानों से, ठीक है, सैटेलाइट सिस्टम से भेजता है, ठीक है, जो आपका PSLV है, GSLV है, ठीक है, तो इनके माध्यम से क्या है, जो देश की रक्षा आत्मनिर्भरता है उसको भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से मिलती हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की वजह से ही हमें मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए चौथा पॉइंट क्या है, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका किस तरीके से बेहतर बनाती है इस क्षेत्र को, खाद्य सुरक्षा। तो देखिए, उन्नतशील खाद्य सुरक्षा का मतलब यही है, जो मतलब खाद्य पदार्थ हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। तो इनमें क्या है, उन्नतशील बीजों, बीज जो होते हैं, ठीक है, कीटनाशक जो होते हैं, उर्वरक जो होते हैं, यंत्रीकरण देश में नए नए यंत्र जो कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं, तो ये सारी के सारे किसकी देन है, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। फूड प्रोसेसिंग के इंडस्ट्री में अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका निभाती है। तो कहने का मतलब है, ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो खाद्य सुरक्षा जो है, खाद्य सुरक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अंतर संबंधित मानी जाती है। अब आप सोच कर देखिए कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई हम तकनीकियाँ सीखते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो वो किसकी वजह से हुआ है, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से हुआ है। नए नए हम यंत्रों का निर्माण करते हैं, नए नए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को लगाते हैं जो अत्याधुनिक तकनीकियाँ हैं उनके माध्यम से, ठीक है, नए नए कीटनाशकों का, उर्वरकों का खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से हुआ है, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या है, ऊर्जा एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से ने अहम भूमिका निभाई है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने, ठीक है। तो अब देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो वो चाहे आपकी परमाणु ऊर्जा हो, या सौर ऊर्जा हो, या पवन ऊर्जा हो, या जल ऊर्जा हो, ठीक है। जल ऊर्जा का दोहन करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ेगी। पवन ऊर्जा के लिए भी आपको बहुत महंगी प्रकार की तकनीकियों को खरीदना पड़ेगा, तभी आप पवन ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं। ऐसे ही सौर ऊर्जा का है, सौर ऊर्जा के जो प्लांट लगते हैं, या सोलर लैंप जो होते हैं, सोलर प्लेट जो होती हैं वो लगाई जाती हैं, तो इनमें भी किसका योगदान रहता है, इनमें सबसे बड़ा योगदान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हुआ है। और परमाणु ऊर्जा की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी मनुष्य है, मनुष्य के प्रत्येक क्षेत्र जिससे भी वह अंतःक्रिया करता है, सब में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। रक्षा अध्ययन के संदर्भों में जब हम लोग बात करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है,
जो आपका छठवां पॉइंट है पर्यावरणीय सुरक्षा एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब देखिए पर्यावरण की जब हम लोग सुरक्षा की जब बात करते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम हम कैसे करेंगे, नई नई तकनीकियों के माध्यम से हम जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है उसको कम करते हैं, और प्रदूषण निम्नीकरण प्रौद्योगिकी हैं इनके प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं पर्यावरण सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और लास्ट में आता है जो है आपका आपदा प्रबंधन एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो अब देखिए आपदा प्रबंधन में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अहम भूमिका अदा करती है। अब जैसे देखिए कोई भी आपदा चेतावनी जो प्रणाली जो होती है, सूचना आपदा से पूर्व जो सूचना देते हैं, ठीक है, कि हाँ यहाँ पर कोई बाढ़ या सुनामी या चक्रवात आने वाला है, ठीक है, वहाँ से लोग हट जाएं, तो ऐसी चेतावनी आपदा प्रबंधन में भी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कोई आपदा आ रही होती है या आपदा के समय आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपदा से निपटते हैं, ठीक है, आपदा के बाद राहत और पुनर्वास और बचाव कार्यों में भी इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, किस तरीके से लोगों का पुनर्वास किया जाए, हर तरीके से जीवन के हर पहलू में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। और आपदा प्रबंधन की जितनी भी तकनीकियाँ हैं उनमें भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। किसी भी प्रकार की प्रणाली हो, जैसे आपदा के पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद, तो आप किसी भी प्रकार से देखेंगे, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो भूमिका होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। और आप किसी भी चीज़ में संचार के क्षेत्र में देखते हैं, तो संचार के क्षेत्र में अगर हम लोग आज की डेट में मोबाइल फ़ोन से, इंटरनेट के माध्यम से और सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ये सारी की सारी चीज़ें सफल इसीलिए हुई हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भूमिका जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका जो मानव जाति है उसको आगे बढ़ाने में, एक उन्नतशील समाज का निर्माण करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, ठीक है। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, देखिए रक्षा अध्ययन के संदर्भों में जो हम लोग बात करते हैं, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जैसे देखिए कुछ संस्थान हैं, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, HAL हो गया, बहुत सारे संस्थान हैं इंडिया में कार्यरत हैं, तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जो प्रश्न में पूछा जाए उसका आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या कहना है, देखिए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है प्रत्येक पहलू में, रक्षा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्रों में विज्ञान, जीवन के प्रत्येक पहलू में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। अगर हम राष्ट्र की सुरक्षा और प्रतिरक्षा को अच्छा करना चाहते हैं, राष्ट्र की जो राष्ट्रीय शक्ति है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो हर तरीके से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका अहम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटा टॉपिक था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, रक्षा अध्ययन के संदर्भों में आपको बातें बतानी थी। नहीं तो आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका अगर GS के थर्ड पेपर से लेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा लिखने को आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। बस मेनली जो रक्षा अध्ययन के संदर्भों में पूछा गया है आपको उसी का जवाब देना है, ठीक है। और अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करिए, और अगले लेक्चर में हम लोग निःशस्त्रीकरण या जो भी लेक्चर आएगा उसको हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों समय बहुत कम बचा है, और आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए, और संभवतः 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर हम जितनी भी सारी चीज़ें हैं तो लगभग कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो जल्द ही लगभग 30 तारीख या 1 तारीख तक हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।